भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के दोबारा क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर नसरुद्दीन अंसारी का माल्यार्पण कर स्वागत किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नसरुद्दीन अंसारी ने बताया कि 2022 का चुनाव करीब है, इसको देखते हुए अल्पसंख्यक समाज को पार्टी से जोड़ने के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी 12 जिलों में एक महीने के अंदर संगठन का विस्तार करके पार्टी के जन कल्याणकारी योजनाओं को बताने एवं उसे लाभ दिलवाने के साथ ही मुस्लिम समाज को तेजी से पार्टी में जोड़ने का काम किया जाएगा। इस अवसर पर मोर्चा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी इरफान अहमद, सैयद नायाब आजमी, फुरकान खान, जावेद अहमद, अब्दुल रहीम अंसारी, शाह आलम अंसारी, मोहम्मद असलम, वजीउल्लाह अंसारी, मोहम्मद रहीम सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नसरुद्दीन अंसारी ने कहा, मोर्चा जिंदाबाद, 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 मोर्चा जिंदाबाद, अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद, जनता पार्टी मोर्चा जिंदाबाद, अंसारी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ महाराज जिंदाबाद, 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 नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, 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 नितिन अंसारी जी जिंदाबाद, 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 क्षेत्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता प्राथमिकता यही रहेगी कि जो पार्टी ने काम किया है पिछली बार करके लोगों के समाज के उत्थान के लिए पार्टी ने जो काम किया है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सपनों को जो उनका सपना था माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको साकार किया है, तो उसी प्रायोरिटी पे मुस्लिम समाज सहित जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं मैं उनके बीच में जाकर के पार्टी के कार्यक्रम और नीतियों को बताते हुए पार्टी को जोड़ करके 2022 के लिए तैयार करूंगा। 2022 के लिए क्या रणनीति? 2022 के लिए दबे कुचलों के साथ जो मुस्लिम समाज के लिए पार्टी ने काम किया है हम उस काम को बता करके पार्टी ने जो उनके लिए काम किया उनको बता करके और मैं पार्टी को उससे जोड़ूंगा।